Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर श्रृंखला में आज हम लोग सामाजिक इतिहास के ऊपर जो केंद्रित इतिहास लेखन आधुनिक भारत के संदर्भ में रहा है उसका जायजा लेंगे, उसकी बदलती प्रवृत्तियां, उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आदि को लेकर हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक इतिहास का जो यह क्षेत्र है, यह सुनने में जितना परिचित लगता है दरअसल उतना ही यह चुनौती भरा क्षेत्र है। परिभाषा को लेकर, क्या विषय वस्तु सामाजिक इतिहास का होगा, कौन से विषय वस्तु सामाजिक इतिहास से बाहर होंगे, क्योंकि दरअसल जब भी हम इतिहास लिखते हैं तो मानव समाज की बात करते हैं। हालांकि हाल के दशक में जब इतिहास लिखा जा रहा है तो यहाँ महज मानव समुदाय की ही बात नहीं है, यहाँ मानव समुदाय के साथ पर्यावरण के संबंध, व्यापक जो युग का परिवर्तन, तकनीकीगत परिवर्तन और उसके जो जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस हैं, एंथ्रोपोसीन की जब बात होती है तो वो सब भी है। मानव समाज और अन्य जीव जंतुओं के समाज की भी बात है, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो हम आज भी इतिहास लेखन का एक बड़ा हिस्सा, 90% 95% हिस्सा हम मानव समाज के ही गतिविधियों का अनुभव कर अध्ययन करते हैं और इसी के राजनैतिक रुझान, आर्थिक प्रक्रियाएं, सांस्कृतिक व्यवहार सबका अध्ययन करते हैं। तो एक तरह से कहें तो हर कुछ सामाजिक इतिहास का हिस्सा हो जाता है, लेकिन जब हम सामाजिक इतिहास पर केंद्रित यह बात कर रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं, तो इसका एक विशिष्ट क्षेत्र है, इसके अवयव हैं और ये जो क्षेत्र की इसकी सीमा है यह समय के साथ बदलती रही है, इसकी संकल्पना बदलती आई है, इसका जो उत्स है हमारे जेहन में वो बदलता आ रहा है, इसकी जो समझ है वो बदलती जा रही है और इस कारण से हमें कहीं न कहीं इसके साथ इसको संवाद करने की ज़रूरत है, इसको बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। जब हम आज कोरोना कोविड के पैंडेमिक के बाद के समय में उस अनुभव को झेलने के बाद हम और आप यह संवाद कर रहे हैं तकनीकी माध्यम से ही सही, तो उस समय समाज को लेकर जो हमारी चिंताएं हैं वो एक नए स्वरूप में भी आती हैं। जो समाज, सामाजिकता, समाज, यह आज अधिक बलवती होकर हमसे एनालिटिकल मांगे कर रही हैं,
नए तरह से व्याख्यायित करने की बात कर रही है। और इसकी अहमियत अब कहीं और अधिक बलवती होकर हमारे सामने है। तो इस कोरोना कोविड संकट की पृष्ठभूमि में जब मनुष्य एक दूसरे से दूरी बनाने पर मजबूर सा हो गया था, समाज एवं सामाजिकता की अहमियत को अधिक तीक्ष्णता से इतिहास के हमारे सरोकार हमारी चिंताओं के केंद्र में ले आते हैं। सामाजिक इतिहास वैश्विक स्तर से देखें तो कोई नई बात नहीं है। पिछले 60-70 सालों में इस इतिहास लेखन में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए जिसने सामाजिक इतिहास में संरचनात्मक पहलुओं की उपेक्षा किए बगैर दैनिक जिंदगी के धरातल पर सामाजिकता, सामाजिक नाते रिश्तों और नित प्रतिदिन हो रहे दावों प्रतिदावों के प्रश्नों को हमारे चिंता हमारे सरोकार में ले आया है। हम जानते हैं कि समय के साथ इतिहास बदलता जाता है। अतीत की समझ बदलती जाती है। कल जहां राजा और रानियों के खिस्से हुआ करते थे, आज वहां उपाश्रित, उपेक्षित और हाशिए पर सांस ले रहे समाज की बात की जा रही है। जहां कल तक हिंदुस्तान सपेरों, नटों और साधुओं के देश के रूप में प्राच्यवादी विमर्श का हिस्सा था, वहां आज यह संसार का सबसे विशालकाय लोकतंत्र, बहुलता, क्षेत्रवाद एवं अनेकानेक संकीर्णताओं के थपेड़े भी झेल रहा है। समय और इतिहास के साथ समाज, सामाजिकता और सामाजिक इतिहास के अर्थ भी स्थिर नहीं रहते। पिछले 150-200 साल कई मायनों में इन परिवर्तनों के साक्षी रहे हैं और इन परिवर्तनों का हमारे आज के वर्तमान समय के बनने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन परिवर्तनों में 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक के कालखंड की खास तौर पर चर्चा की जाती है। इतिहासकार सुमित सरकार बताते हैं कि इस काल में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, इससे पूर्व वे बताते हैं कि बंगाली शब्द समाज, और यह महज बंगाली भाषा से ही जुड़ा नहीं है, यह अन्य भारतीय भाषाओं के ऊपर भी लागू होता है। यहाँ शब्द समाज दरअसल सामूहिकता या किसी खास जातीय जमावरे के संदर्भ में या किसी धार्मिक संप्रदाय जैसे कि ब्रह्म समाज आदि के लिए होता था। तो समाज शब्द का एक विशिष्ट अर्थ था। मोटे तौर पर कहा जाए तो बंगाल के संबंध में सुमित सरकार द्वारा किया गया यह अवलोकन अनेक अर्थों में हिंदी पट्टी और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में भी लागू होता है। लेकिन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जहां एक ओर समाज शब्द विस्तार ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ सामाजिकता के स्तर पर
एक समुदाय दूसरे के करीब आ रहे थे। प्रिंट संस्कृति के कारण भी, औपनिवेशिक राज्य की उपस्थिति के कारण भी, रेल के कारण भी, शिक्षा और कानून के कारण भी, और तमाम ऐतिहासिक कारणों से समाज शब्द अब एक अखिल भारतीय अर्थ अख्तियार कर रहा था। लेकिन साथ साथ, जैसा मैंने अभी तुरंत कहा कि जब एक जातियां दूसरे जातियों के करीब आ रही थी, सामाजिकता नए तरह से परिभाषित हो रहा था, तो प्रतिद्वंद्विता की भावना, अस्मिता का सवाल, यह सब भी बहुत तीक्ष्णता के साथ उभर रहा था। इस नज़दीकी से उनमें एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता और वैमनस्य का भाव भी आ रहा था। इसका यह अर्थ कतई नहीं कि इस समय से पहले या फिर पूर्व औपनिवेशिक कालों में समाज के घटकों के बीच कोई द्वंद्व, किसी किस्म का संबंध और कोई प्रतिस्पर्धा की भावना ही नहीं थी। लेकिन जिन कारकों का मैंने अभी जिक्र किया, इसमें मैं जनगणना, औपनिवेशिक कानून, स्त्री पुरुषों के आपसी संबंध और उनके अंतर्निहित नाते रिश्तों को भी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जोड़ते हुए हम पाते हैं कि समाज और सामाजिक संबंध नए तरह से परिभाषित और स्वरूपित हो रहे थे। औपनिवेशिक राज्य तथा औपनिवेशिक आधुनिकता द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से स्वरूपित होते हुए इन मुद्दों की विविधता को इतिहासकार सामाजिक इतिहास के रूप में हमारे सामने लाते हैं। और यह वह क्षेत्र है जिसकी हम आज कुछ विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत हम भारतीय इतिहास में की तरफ आने से पहले एक वैश्विक मंजर का एक दृश्यावलोकन करना जरूरी लगता है, जिससे एक बौद्धिक पृष्ठभूमि हमें मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, 1942 में ट्रेवेलियन, अंग्रेजी इतिहास का ट्रेवेलियन की किताब इंग्लिश सोशल हिस्ट्री प्रकाशित होती है, ए सर्वे ऑफ सिक्स सेंचुरीज, और जहां वे सामाजिक इतिहास की अहमियत को रेखांकित करते हैं। उनके अनुसार सामाजिक इतिहास अर्थात पॉलिटिक्स लेफ्ट आउट, वह हिस्सा इतिहास का जहां राजनीति से इतर की बात हो, और इस परिभाषा, इस संकल्पनात्मक जो नजरिया है ट्रेवेलियन का, इसके पीछे राजनीतिक इतिहास का जो वर्चस्व रहा इतिहास लेखन में, उसका झलक हमें मिलता है। तो सामाजिक इतिहास सीधे सीधे राजनीतिक इतिहास के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर हमारे सामने इमर्ज करता दिखता है।
1960 के दशक में इंग्लैंड में हम एक छोटे से इतिहासकारों के दल को का उदय पाते हैं, उनकी गतिविधियों को पाते हैं। ये मोटे तौर से वामपंथी विचारधारा से संबंधित थे और इसमें खास तौर से दो नाम, कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा। ईपी थॉम्सन, जिनकी 1963 में किताब द वर्किंग ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास प्रकाशित होती है। क्रिस्टोफर हिल हैं, हॉब्सबॉम हैं। तो और इनके साथ जुड़ा हुआ यह जो समूह है इंग्लैंड में पास्ट एंड प्रेजेंट, बाद में हिस्ट्री वर्कशॉप जर्नल आदि से जुड़ा हुआ जो इतिहास की बौद्धिक गतिविधियां हैं उनसे जुड़ा हुआ, उनके पीछे सक्रिय यह समूह। और इस समूह ने बहुत मानीखेज तरीके से सामाजिक इतिहास के विषय वस्तु, इसके नज़रिए, इसके स्रोत आदि की तरफ इतिहास का ध्यान खींचा, एक मुकम्मल पहल की जिसके बहुत दूरगामी प्रभाव हुए। आज भी इन हस्तक्षेपों की महत्ता उतनी ही है जितनी उस समय में जब ये स्वरूप ले रहे थे। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण था वह यह कि सामाजिक इतिहास अर्थात निम्न वर्ग का इतिहास, इसके लिए जो फ्रेज हमारे सामने आता है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, इतिहास को नीचे से देखने की बात। और यह जो फ्रेज है इतिहास को अधिक समावेशित विधा के रूप में बनाता है, अधिक संवेदनशील विषय के रूप में बनाता है, सामाजिक रूप से अधिक इंटीग्रेशनिस्ट रूप भी देता है। ये इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषी जो इतिहास का संसार है वहाँ ये पहल हो रहा था। दूसरी तरफ फ्रांस में इससे पहले भी खास तौर से जो 1920 के दशक से ही जिस तरह से अनाल्स स्कूल वहाँ इमर्ज कर रहा था, उसमें मार्क ब्लॉक और लुसियन फैब्रे आदि बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं, इनके कामों में, इनके इतिहास में भी सामाजिक इतिहास का स्वरूप तय हो रहा था। हालांकि इनका अंग्रेजी अनुवाद बहुत बाद में आया, लेकिन इनकी पहचान, इनका रिकॉग्निशन बहुत एक इतिहास को रेडिकल स्वरूप देने के रूप में इनका रिकॉग्निशन बहुत शीघ्र ही 20वीं सदी में हम देखने को मिलते हैं। तो अनाल्स स्कूल जो दरअसल टोटल हिस्ट्री की बात कर रहा था,
वहाँ सामाजिक इतिहास को लेकर विशिष्ट रूप से कोई पहल इस समय नहीं देखते हैं, बाद के वर्षों में देखते हैं, लेकिन उस टोटल हिस्ट्री के फ्रेम में सामाजिक इतिहास के नए अवयव, नए अध्याय खुल रहे थे, इसलिए वह महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ चंद जो रुझान रहे वैश्विक स्तर पर। यहां से यदि हम बात शुरू करें और यहां से बाद के दशकों में सामाजिक इतिहास के साथ एक और महत्वपूर्ण अवयव जुड़ा, वह था कि दैनिक जीवन का इतिहास, रोजमर्रे का इतिहास। जर्मनी में खास तौर से हम आल्फ लुत्के जैसे इतिहासकारों की के काम को, उनके शोध से रूबरू होते हैं, जहाँ यह दैनिक जीवन उनके इतिहास लेखन के केंद्र में है। और आल्फ लुत्के के लिए दैनिक जीवन हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की जो बात थॉमसन और अंग्रेजी इतिहासकार कर रहे थे उससे जुड़ा हुआ था, उससे असंपृक्त नहीं था, क्योंकि आल्फ लुत्के बताते हैं कि ये जो दैनिक जीवन का इतिहास होगा ये दरअसल इतिहास में अब तक छोड़ दिए गए लोग, उनकी दास्तान है, उनका ही आम जिंदगी है। इतिहास को या उसी तरह से नीचे से देखने की प्रक्रिया है। तो इतिहास लेखन हमेशा अपने पहले की पीढ़ी से ही सीखता हुआ, उसके कामों को आगे बढ़ाता हुआ सफर तय करता है। हाँ, हर पड़ाव पर कुछ नई बातें, कुछ नए अध्याय जरूर जाते हैं। जैसे जब आल्फ लुत्के के दैनिक जीवन की इतिहास की बात है तो वहाँ उन छोड़ दिए गए, इतिहास में हाशिए पर छूट गए लोगों के सब्जेक्टिविटीज़ की बात भी है, उनके एजेंसीज़ की बात है, उनके नज़रिए की बात है। और यहाँ हम भारतीय इतिहास लेखन में जिस तरह से सबाल्टर्न स्टडीज़ का इंटरवेंशन हुआ, जहाँ उपाश्रित नज़रिए से, उपाश्रित समाज के तबके से के नज़रिए से उनकी भागीदारी किस तरह से इतिहास में रही उसकी बात है, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। इन दोनों के बीच बहुत सारे कॉमन ग्राउंड्स हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो बात मैंने शुरू में कहा कि समाज शब्द का अर्थ बदल रहा, लेकिन उसके साथ साथ इन इतिहासकारों के हस्तक्षेपों के द्वारा सामाजिक इतिहास का भी स्वरूप बदल रहा है। नए प्रश्न आ रहे हैं, नए मेथोडोलॉजीज आ रहे हैं, नए दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं। इस सफर का जिक्र करते हुए दो बातें और भी मैं पहले यहाँ जोड़ता जाऊँ, वह यह कि जब 1960 में सामाजिक इतिहासकारों का यह दल कार्य कर रहा था तो वहाँ एक स्तर पर कहीं न कहीं और उसके बाद भी सामाजिक इतिहास बहुत गहरे तौर पर आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ था। तो
समाज के जो आर्थिक कार्यकलाप थे, अर्थव्यवस्था थी, कहीं न कहीं उसके उसको विस्तार देते हुए यह सामाजिक इतिहास उभर रहा था। और यहाँ पर जो जिस तरह से ट्रेवलियन के समय में राजनीतिक इतिहास के बरक्स सामाजिक इतिहास खड़ा हो रहा था, इस समय यह आर्थिक इतिहास के बरक्स अपना वजूद तलाश रहा था। तो जो इतिहासकारों के नज़रिए थे उसमें एक बड़ा हिस्सा आर्थिक क्रियाकलापों को समझने के लिए उनके सामाजिक सरोकार और समाज के अवयवों के साथ संवाद करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। इस अर्थव्यवस्था केंद्रित नज़रिए के प्रति भी इतिहासकार नई चेतना के साथ, नई सतर्कता के साथ हमें मिलने लगते हैं। और खासकर 1970 के दशक में सामाजिक इतिहास, ये जो आर्थिक क्रियाओं के प्रभुत्व, उसके वर्चस्व से अपने को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ता हुआ दिखता है। लेकिन दूसरे स्तर पर, और यह वह समय भी है जबकि समाज विज्ञान, मानविकी के विषय अपने डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, अनुशासनात्मक जो परिधियां हैं, सीमाएं हैं, उसको तोड़ रहे हैं। सामाजिक इतिहास एक स्तर पर समाजशास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी के साथ गहरा संपर्क संवाद कर रहा है, लेकिन साथ साथ या अपने लिए एक घर की भी तलाश कर रहा है। घर की तलाश करने का मेरा आशय यह कि अपने मेथड, अपनी विशिष्टताओं को भी रेखांकित करने के लिए ये एंग्सस है कि किस तरह से सोशल हिस्ट्री हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी से अलग हो, और या जिस तरह से समाजशास्त्री हिस्ट्री में जाते हैं उससे किस तरह से सोशल हिस्ट्री का क्षेत्र अलग हो, विशिष्ट पहचान के साथ है। और इस बाबत एक बहुत पावरफुल आर्टिकल हम हॉब्सबॉम का पाते हैं, जहां वे फ्रॉम सोशल हिस्ट्री टू हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। और यहाँ वे खास तौर से इस बात को रेखांकित करते हैं कि जब हम सामाजिक इतिहास लिख रहे हैं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस तरह से बदलते हैं, उन पृष्ठभूमि का, उस कॉन्टेक्स्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, वह महत्वपूर्ण है। हम हमेशा अपने वर्तमान, जिस समय में हम जी रहे हैं, वहाँ के सवाल के साथ हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशंस नहीं कर सकते। हमें इतिहास को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शर्तों के साथ, उस कॉन्टेक्स्ट के साथ रखकर देखना होगा। तो ये तमाम बातें हैं
यदि भारतीय संदर्भ में कहें और यहाँ यह पृष्ठभूमि का जो जो कॉन्टेक्स्ट का जो मसला है वह महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हम देखते हैं कि जिसकी तरफ पार्थ चटर्जी ने भी हमारा ध्यान खींचा है, वे बताते हैं कि 1920 के दशक आते आते जब भारत में इतिहास विश्वविद्यालयों में संस्थागत स्वरूप अख्तियार करने लगा था, तो यहाँ जिस तरह से 19वीं सदी में राजनैतिक चिंतक, समाज सुधारक आदि इतिहास के साथ संवाद कर रहे थे, उससे एक दुराव भी देखते हैं। और इस दुराव का एक दूसरा पहलू है कि यहाँ अब जो समाज है वह, और यह चीज़, यह रुझान शायद राजनीतिक चिंताओं में भी, जो राष्ट्रवादी की राष्ट्रवादियों की चिंताओं में भी प्रखर रूप से उभर कर आता है कि समाज और राज्य, औपनिवेशिक राज्य, इसके बीच के अंतर को रेखांकित किया जा रहा है सायास। अर्थात सामाजिक जो कार्यकलाप का क्षेत्र, वह कार्यकलाप का क्षेत्र हो जहां की राज्य का दखल न हो, और इस सामाजिक परिधि में राज्य के दखल की पुरजोर विरोध की कोशिश की गई राष्ट्रवादियों द्वारा। तो इस तरह से समाज और सामाजिक शब्द और राज्य और राजनीतिक शब्द के बीच एक किस्म का एक डाइकोटोमी हम पाते हैं। इसके जो इतिहास लेखन के परिणाम की बात करें तो एक बड़ा हिस्सा शुरुआती समय में, सामाजिक इतिहास के शुरुआती चरणों में, दरअसल 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों, समाज सुधारकों के वैचारिकी से रूबरू था। उनको कैसे व्याख्यायित किया जाए, भारतीय पुनर्जागरण, बंगाल में पुनर्जागरण की बात, समाज सुधार आंदोलनों में महिलाओं को लेकर क्या रवैया रहा आदि आदि। इसी के साइमल्टेनियस कह सकते हैं या पैरेलल में सोशल हिस्टोरियंस का दूसरा जो उनके चर्चाओं में हमें मिलता है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सामाजिक पक्ष और उसका अध्ययन, अर्थात किस तरह के सामाजिक अवयव राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे, जैसे कृषक,
या फिर महिलाओं की भागीदारी का सवाल, और उनकी भागीदारी का इतिहास क्या हो, लेकिन इन इतिहासकारों का असल उद्देश्य दरअसल इस तरह के शोध से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को बेहतर कैसे समझा जाए, यही था। ये एक दूसरा आप चरण कह सकते हैं। इसी चरण के उदाहरण के तौर पे हम नियो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस के इंटरवेंशन को भी अलग नज़रिए से परख सकते हैं, नए तरह से परख सकते हैं, जिसके बारे में हमने अलग से बात की है, जो दरअसल राजनीतिक भागीदारी, राष्ट्रीयता आदि के सवाल से सीधे सीधे मुखातिब था, राजनीतिक इतिहास लिखने की बात थी। लेकिन राजनीतिक इतिहास लिखते हुए दरअसल ये नव साम्राज्यवादी नियो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस प्रांतों में जाते हैं और प्रांतीय जो कोलैबोरेटर्स हैं, प्रांतीय एक्टर्स हैं, स्थानीय लेवल पर जो कांग्रेस के या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो सामाजिक वर्ग हैं, उनके उद्देश्य, उनकी भौतिक जो ज़रूरतें आदि की बात ये करते हैं। महिलाओं की भागीदारी को लेकर जो पहले चरण के नारीवादी इतिहासकार रहे हैं, वे उनका इतिहास हमारे सामने आता है। जैसे कि कांग्रेस में किस समय किस तरह से महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी, उनका स्वरूप कैसा रहा इत्यादि। बाद में महात्मा गांधी के विचारों में किस तरह से स्त्री का इतिहास लिखा जा सकता है, और इस तरह की सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण हैं इतिहास के लिए, ये इस चरण में हमें देखने को मिलता है, जिसे आप आंशिक रूप से राजनीतिक इतिहास कह सकते हैं, आंशिक रूप से आप सामाजिक इतिहास भी कह सकते हैं। एक महत्वपूर्ण पहल यहाँ जो 1980 के दशक से हम पाते हैं, वह सबाल्टर्न स्टडीज के इंटरवेंशन से पाते हैं। यहाँ मैं फिर से दोहराऊंगा कि इतिहास को नीचे से देखने की बात है, महज नीचे से ही देखने की बात नहीं है। जो निम्न वर्गीय, जो उपाश्रयित समूह हैं, उनके नज़रिए से, उनकी भागीदारी के जरिए वो कैसे अपनी भागीदारी को देख रहे थे, किन शर्तों पर वे हस्तक्षेप कर रहे थे, उनकी गतिविधियों के उनके लिए क्या मायने थे इत्यादि, और इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे आदि का सवाल था। देखिए, इसमें आज जो इस लेक्चर में मैं कई बातें रख रहा हूँ, इनको हम अलग अलग लेक्चर्स में विस्तार से इनकी चर्चा भी कर रहे हैं, तो कई जगहों पर यह एक रिपीटेशन लग सकता है, लेकिन इस दोहराने की अहमियत को मैं रेखांकित करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ हम मोटे रुझानों की बात कर रहे हैं, और
इन मोटे रुझानों को रेखांकित कर हम फिर उन विशिष्टताओं की तरफ अलग अलग लेक्चर्स में जाएंगे। यहाँ सामान्यीकरण की तरफ अधिक मेरा ध्यान है। तो यह सबाल्टर्न स्टडीज का इंटरवेंशन, यह सामाजिक इतिहास को, श्रमिकों के इतिहास को, कृषकों की भागीदारी को, निम्नवर्गीय अन्य समुदायों की भागीदारी को यह रेखांकित करता है। और यही वह दौर भी है 1970, मध्य 1970 से लेकर 1980 के दशक, 1990, मध्य 1990 तक भी, जब सामाजिक आंदोलनों की तरफ भारतीय इतिहासकारों ने ध्यान केंद्रित किया और उसकी समझ बनाई। जब हम सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं तो इसमें पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, चिपको आंदोलन जैसे, या दूसरे किस्म के जो सोशलिस्ट आंदोलन, वर्ग को लेकर जो आंदोलन, हिंसात्मक आंदोलन भी, तेलंगाना, तेभागा को लेकर बातें, नक्सलबारी को लेकर बातें, ये सब जुड़ा हुआ है। जिसके निश्चित रूप से राजनीतिक सरोकार भी हैं, लेकिन इन आंदोलनों के इतिहास ने सामाजिक इतिहास में महत्वपूर्ण रूप से हस्तक्षेप किया और उसकी समझ में इजाफा किया। यही वह समय भी रहा जब शहरी जीवन का इतिहास की तरफ भी इतिहासकारों का ध्यान गया। लेकिन इक्का दुक्का अपवाद को छोड़कर शहरी इतिहास कमोबेश इंफ्रास्ट्रक्चर का इतिहास रहा, या किसी शहर में राजनीतिक गतिविधियां, स्वतंत्रता से संग्राम को लेकर गतिविधियां का स्वरूप क्या रहा, ऐसे ही सवाल अधिकतर 1980-1990 के दशक में हम पाते हैं। एक मुकम्मल तौर पर जो नगरीय जिंदगी और नगरीय समाज में परिवर्तन का इतिहास, वह पिछले दो दशकों में ही हमारे सामने आया। यहाँ खास तौर से मैं जानकी नायर के इतिहास लेखन की तरफ, जो बेंगलोर पर केंद्रित है, उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। मोटे तौर पर कहें तो 1970 से लेकर 2000 तक के सामाजिक इतिहास के मुख्य जो बिंदु रहे, जिन बिंदुओं की चर्चा हमने की उसके अतिरिक्त, वह भारतीय समाज में निरंतरता और परिवर्तन के अवयवों को कैसे रेखांकित किया जाए, कैसे व्याख्यायित किया जाए,
क्या कुछ समाज में परिवर्तन हुआ, क्या कुछ उसी रूप में चलता रहा, संरचनात्मक परिवर्तन, जाति व्यवस्था में परिवर्तन, जातियों की अवस्था में परिवर्तन, इस तरह के कंटिन्यूटी एंड चेंज, इस रूब्रिक, इस व्यापक मसले को लेकर इतिहासकार और समाजशास्त्री दोनों अलग अलग विषयों के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। उन्नीस सौ नब्बे के बाद उत्तरोत्तर यह जो फ्रेम था कंटिन्यूटी एंड चेंज का, यह इसे आधुनिकता के इतिहास के सवाल ने इसे रिप्लेस किया। अब इतिहासकारों का एक बड़ा प्रभावशाली समूह हमारे सामने दिखता है, जो कहीं न कहीं उत्तर औपनिवेशिक पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम के साथ, जो औपनिवेशिक अतीत को प्रश्नांकित करते हुए नए सवाल उठा रहा है और अब चिंता के केंद्र में, सामाजिक इतिहास लेखन के चिंता के केंद्र में आधुनिकता के साथ भारतीय समाज किस तरह से संवाद करता आया पिछले 150-200 सालों में, वह अधिक मुखर रूप लेता चला गया। भारत की आधुनिकता को किस शर्तों पर देखें, इसके क्या रूप थे, यह यूरोप की आधुनिकता से कितना कुछ भिन्न था, इस भिन्नता के इतिहास में क्या मायने हुए, आवर मॉडर्निटी, हाइब्रिड मॉडर्निटी आदि पदावली हमारे सामने नए किस्म की संश्लिष्टताएं लाता है और इनके जरिए सामाजिक इतिहास के अलग अलग पहलुओं की जांच पड़ताल हम पाते हैं। यह वह समय भी है जब मैं 1990 के दशक के बाद की बात कर रहा हूं, जब एक तरफ अर्थव्यवस्था उदारवादी हो रही है, लाइसेंस राज को लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज रिप्लेस कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ इकोनॉमिक हिस्ट्री जो 1960, 1970 और 1980 के दशक में भी शुरुआत में बहुत पावरफुल था, वह अब उसका जो आकर्षण धीरे धीरे छीन होता दिख रहा है। तो जिस सोशल हिस्ट्री के इकोनॉमिक सरोकार की हम बात शुरू में कर रहे थे, अब सोशल हिस्ट्री दूसरी तरफ
सांस्कृतिक करवटें ले रहा है, अर्थात एक किस्म का कल्चरल टर्न हम पा रहे हैं। कल्चरल एस्पेक्ट्स, सांस्कृतिक जो जीवन के आयाम हैं, वो उनकी तरफ इतिहासकार अधिक उन्मुख दिखते हैं। और एक इस पूरे मंजर में एक तो कल्चरल स्टडीज जिस तरह से मध्य 70 के दशक से वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में लगा था, उसकी बात है, उसका प्रभाव है। और दूसरी तरफ जो पॉपुलर कल्चर, मीडिया संस्कृति, प्रिंट मीडिया, इन सब से कैसे सामाजिक ताने बाने, सोशल आइडेंटिटीज, सोशल बिहेवियर, ये कितने प्रभावित होते हैं, इनका समाज पर प्रभाव को एक्नॉलेज किया जा रहा है। और इस फ्रेम से इतिहास की तरफ वापस मुड़कर इतिहास लिखा जा रहा है। जब प्रिंट कल्चर का इतिहास की बात है तो जाहिर सी बात है कि भाषाई जो सरोकार हैं, भाषा को लेकर इतिहास में कैसे पैट की जाए, वह अहम होता जा रहा है। एक बार फिर से 19वीं सदी का उत्तरार्ध, जब ये प्रिंट संस्कृति आ रही थी, और वह महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन साथ साथ यहाँ अब अंग्रेजी स्रोतों से आगे निकलकर जो देसी भाषा के स्रोत, देसी भाषा के प्रिंट कल्चर, उनकी क्या भूमिका रही सामाजिक इतिहास को लेकर, इतिहास में समाज और सामाजिक संबंध को हुए कैसे नए तरह से व्याख्यायित कर रहे थे, स्वरूपित कर रहे थे, ये सब इतिहासकारों के चिंता में हमें दिखता है। और इसने सामाजिक इतिहास के नए अध्याय की शुरुआत की। तो जो लिटरेचर का हिस्ट्री है 1990 के बाद या 2000 के शुरुआती दशकों में, वह महज साहित्य का कंटेंट एनालिसिस नहीं रह जाता है। किस तरह से, जैसे फ्रांसिस्का ओरसिनी के काम हैं, वो बताती हैं कि किस तरह से प्रिंट कल्चर ने महिलाओं के लीजर एक्टिविटीज़ को प्रभावित किया, किस तरह से नए स्टीरियोटाइप्स आए, उनका इतिहास क्या होगा। और जब हम स्टीरियोटाइप्स की, इन इन मान्यताओं की बात करें, सामाजिक छवियों की बात करें, तो दलितों की किस तरह की छवियां बन रही थीं, वह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी तरफ इतिहासकार हमारा ध्यान खींचते हैं, और इस बाबत भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो पॉपुलर कल्चर की तरफ सोशल हिस्ट्री का झुकाव, इसी के साथ साथ
खास तौर से जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था लेकिन फिर से दोहराने की ज़रूरत है, जब माइग्रेशन का इतिहास लिखा जा रहा है तो उसके सामाजिक पहलू, गिरमिटिया माइग्रेशन भारत से कैरेबियन द्वीपों में मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम आदि होने वाले प्रवसन के जाति सरोकार क्या थे, किस तरह का वह सामाजिक संदर्भ था, या फिर जब गांव से निकलकर श्रमिक वर्ग, कृषक मजदूर वर्ग शहर की तरफ पलायन करता है और वहाँ वह श्रमिक वर्ग का, औद्योगिक श्रमिक वर्ग का निर्माण करता है, तो गांव और शहर के बीच के अंतर संबंध को कैसे समझा जाए, इसने श्रमिक वर्ग की चेतना को किस तरह से प्रभावित किया, इस माइग्रेशन ने शहरी समाज इससे किस तरह से प्रभावित हो रहा था, शहर का परोस किस तरह से बन रहा था और वहाँ का की भाषाएं, भाषाई संस्कार किस तरह से बन रहे थे। इसका उदाहरण जैसे कलकत्ता बंगाल के जूट मिल के इतिहास के संदर्भ में देखें तो श्रमिक चेतना की बात, उसके स्वरूप की बात दीपेश चक्रवर्ती करते हैं, और मुंबई के मिल मजदूरों गांव से हो रहे माइग्रेशन और उससे नए बनते परोस श्रमिक वर्ग आदि की बात, उसका इतिहास कैसे लिखा जाए, या राजनारायण चंद्रावरकर के कामों से हमें मिलता है, दिखता है। तो ये चंद उदाहरण देखकर मेरा प्रयास शायद यहाँ यह है कि मैं दो बातें करना चाह रहा हूँ, शायद दो स्तरों पर। एक तो सामाजिक इतिहास को कभी भी असंपृक्त रूप से नहीं देखा जा सकता, यह एक तरफ जहाँ राजनीतिक इतिहास के सामाजिक सरोकार को लेकर चिंतित था, भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के सामाजिक जो परिस्थितियाँ, सामाजिक घटक, उनकी बात करता दिखता है। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक प्रक्रियाओं के साथ संवाद करता मिलता है हमें। या फिर जो जन संस्कृति की बात करता हुआ हमें मिलता है। तो हर जगह ये जो ताना बाना है, ये जो तार हैं, या फिर मुकम्मल तौर पर कहें तो दैनिक इतिहास की जहां बात है, दैनिक गतिविधियों की जहां बात है, सामाजिक इतिहास ने इस बात को रेखांकित किया कि जीवन चौकठे में विभक्त नहीं होता, अकादमिक चौकठे में, और जीवन समाज की गतिविधियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी, एक जो एकेडमिक फील्ड है, डिसिप्लिन है, उससे दूसरे एकेडमिक डिसिप्लिन की तरफ हमें ले जाती हैं। इस संश्लिष्टता, इन ताना बाना के प्रति हमारा नज़रिया खुला हो,
इसको रेखांकित करती है। एक तो यह पक्ष, लेकिन साथ साथ दूसरे स्तर पर इसी सामाजिक इतिहास ने इस बात को भी पुरजोर तरीके से हमारे सामने रखा कि इतिहास में जो हाशिए पर छोड़ दिए गए तबका है, चाहे वह महिलाओं की बात हो, चाहे वह अनटचेबिलिटी की बात हो, चाहे वे वह गैर ब्राह्मण जातियों की बात हो, उनके पहचान की बात हो, उनकी तरफ इतिहासकारों का रवैया क्या हो, किस तरह से यह पहचान की राजनीति दरअसल सामाजिक इतिहास का विषय वस्तु है, इस बात को भी सामाजिक इतिहास ने हमारे सामने रखा। यह इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि पिछले 50 साल में जिस दौर की बात हम कर रहे हैं, उस दौर में राजनीति शब्द के जो अर्थ हैं वह भी बदले। राजनीति अब महज राज्य या सरकार से संबंधित नहीं रह गया, बल्कि समाज के एक कारक का दूसरे कारक के साथ संबंध, उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता, यह सभी राजनीति और समाज के बीच की सीमा रेखा को धुंधला करने में हमारी मदद की। और इससे किस तरह से समाज, औपनिवेशिक भारतीय समाज सांस ले रहा था, उसकी अपनी गति की क्या थी, उसके रोज़मर्रा की जिंदगी, उसके वैचारिक रुझान क्या रहे, इन सभी के बारे में हमारी समझ में इजाफा ही हुआ। इन अलग अलग पहलुओं को अलग अलग लेक्चर्स में भी, इनमें से कुछ पहलुओं को हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ इन रुझानों को मैं मोटे तौर पर रेखांकित करना चाह रहा था और इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार।